दर्शन न्यूज। सारण जिले में आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। माजी प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय परिसर में बिहार राज्य आंगनवाड़ी यूनियन के बैनर तले आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका के प्रखंड अध्यक्ष सुषमा देवी एवं सचिव चांदनी देवी ने संयुक्त रूप से बताया कि सरकार को आंगनवाड़ी कर्मी की मांगों को हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। आंगनवाड़ी कर्मी से अधिक काम लिया जाता है, लेकिन कम मानदेय मिलने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार का भरण पोषण करने में भी उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सरकार से लगातार मांग करने के पश्चात अब तक मांग पूरा नहीं होने के कारण आंगनवाड़ी कर्मी धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो गई है। उन लोगों ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द सेविका एवं सहायिका को राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग को पूरा करे। अपनी मांगों के बारे में बताते हुए आंदोलनरत महिलाओं ने कहा कि सरकार द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों को दी जाने वाली अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की जाए। इसके अलावा राज्य सरकार सभी आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका को सरकार कर्मचारी का दर्जा दे, उन्हें ग्रेड सी एवं ग्रेड डी में समायोजित करने का कार्य करे। जब तक यह मांग पूरा नहीं किया जाता तब तक सेविकाओं सहायिकाओं का प्रदर्शन जारी रहेगा। माजी सेव वीरे सिंह की रिपोर्ट। और हम लोग 4 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पर, और 3-4-5 हम लोग हड़ताल में रहेंगे। बाकी का निर्णय आगे लिया जाएगा, जैसे सरकार अगर कुछ वार्ता करती है तो सोचेंगे, नहीं तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। मांग क्या क्या है? सरकारी कर्मी बनाए, हम लोग नर्सरी शिक्षिका बनाए, वेतन मान करे, ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को पेंशन भी दे रिटायरमेंट के बाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा कुमारी सुषमा। आपका? मेरा चांदनी कुमारी सिंह। अध्यक्ष? हाँ, अध्यक्ष मैं सचिव हूँ चांदनी कुमारी।